Welcome back after the break, Momineen. We have a newly elected MPA, Pakistan Tehreek-e-Insaf, member of Punjab Assembly, Sister Zahra Naqvi, with us. And my next question from Sister Zahra is going to be how women can contribute in the progress of a country. Sister Zahra, what do you think women can do for the progress of the country? How can they take a country to the highest level? How can they contribute in the different fields? Because sometimes in a men-dominated society, we think, no, this field is not good for the ladies, that field is not good for the ladies, this is a favorable field for the ladies, this is not a favorable field. Kya aise discrimination honi chahiye, or there should not be any sort of discrimination? Women can go in any field. Politics ke baare mein bhi yahi image hai, dekha jaye ki. Bilkul. मैं आपको ये कहना चाहूँगी, देखिए हमारे मुल्क की 51% पॉपुलेशन जो है वो लेडीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है ना. लेडीज़ 51% ऑफ योर कंट्री इफ़ आर साइलेंट, अगर बिल्कुल साइलेंट होकर रह जाएं, अगर वो अपना कोई रोल प्ले ना करें, इस फील्ड में नहीं जाना, उस फील्ड में नहीं जाना, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हों, तो एक कंट्री जो है वो कैसे डेवलप कर सकती है, कैसे एक तरह की जो है वो तरक्की की मंजिलों को जो है वो तय कर सकती है. तो हमें हर फील्ड में जो है वो ख़वातीन के किरदार की ज़रूरत है. हाँ, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई, अब जैसे मसलन आप अगर एज़ आ सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ख़ातून को खड़ा कर देते हैं रोड पर, तो एक उसके शान के मुताबिक नहीं है. बिल्कुल ठीक है ना. हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. जब ये पाकिस्तान बन रहा था, जब आईन पाकिस्तान लिखा जा रहा था, उस टाइम में किसी ने पूछा था कायदे आज़म से कि आप बताइए कि इस मुल्क के कानून क्या होने चाहिए. तो आपने फरमा दिया था कि जब हमारे पास कुरान करीम जैसी किताब मौजूद है तो हमें कानून और जगह से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. तो लिहाजा हमारे सामने जो कवानीन, जो फील्ड्स ख्वातीन के लिए बेहतर हैं, देखें बाज़ फील्ड्स जो हैं वो मर्दों के लिए उनके मिजाज के मुताबिक नहीं हैं, ठीक है. मसलन एक बच्चे को संभालना, एक बच्चे की बच्चे को देखना, टेक केयर करना, ये छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है. लेकिन परवरदिगार आलम ने खातून के अंदर इस सलाहियत को रखा है कि वो बहुत आराम से भी ज़्यादा रखी है. बिल्कुल. आप जब हम परवरदिगार आलम के नाम देखते हैं ना, देखिए उस रब्बुल इज़्ज़त के कुछ सिफ़ाते जलालियाँ हैं, कुछ सिफ़ाते जमालियाँ हैं, ठीक है ना. अब सिफ़ाते जलाली उसके गज़ब की जो कैफियत है उस रब्बुल इज़्ज़त की, और जो उसके जो है वो कहर की बात आती है परवरदिगार आलम की, वो किस तरह से अपना कहर नाजिल करेगा, अजाब नाजिल करेगा, और इस तरह की. और कुछ सिफात उसकी हैं जो रहमानियत वाली सिफात हैं, ठीक है ना, अरहमुर रहीमीन. जब भी हम उसे दुआ करने लगते हैं, हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम रहमानियत का जिक्र करते हैं, राफत का जिक्र करते हैं, मेहरबानी का जिक्र करते हैं. तो परवरदिगार आलम की जो सिफात जमालियाँ हैं, जो रहीमियत वाली सिफात हैं, रऊफत वाली सिफात हैं, वो परवरदिगार आलम ने एक औरत के वजूद के अंदर रख दी. माशाल्लाह माशाल्लाह. और उसी जज्बे के तहत जो है वो औरत जो है वो इतने बड़े बड़े काम, जैसे बच्चों की देखभाल 24 घंटे, एक मुश्किल काम है वाकई. लेकिन उस परवरदिगार आलम ने यह सलाहियत लेडीज़ के अंदर रखी कि वो उसको बहुत कम्फर्टेबली उसको हैंडल कर लेती हैं, उसको आराम से कर लेती हैं. लेकिन एक मर्द के लिए पूरा टाइम जो बेबी सिटिंग करना, एक आसान काम नहीं होगा. लेकिन उसके लिए आसान होगा कि बाहर रोड पर खड़ा होकर वो ट्रैफिक को कंट्रोल करे, वो जो है वो इंस्पेक्शन करे उन चीज़ों के ऊपर, वो उसके लिए आसान होगा. लेकिन एक खातून को अगर आप ये जिम्मेदारियाँ दे देंगे तो वो उसकी शान के मुताबिक नहीं है, यानी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिजिकली जो थोड़ा सा खिलाफ, बिल्कुल फितरत के, और फिजिकली जैसे एक औरत का एक जिस्म ज़ाहिर मुख्तलिफ है, एक मर्द का जिस्म मुख्तलिफ है, उसको परवरदिगार ने नाजुक बनाया है, ठीक है ना. काम बड़े बड़े कर सकती है, अकल दोनों में बराबर है, रूह दोनों के अंदर बराबर है, लेकिन जो जिस्मानी साख्त है वो डिफरेंट है दोनों की. तो हाँ, उस जिस्मानी साख्त के हिसाब से जो है जो काम, जो ऑक्यूपेशन मर्द के लिए मुनासिब हैं उसको इख्तियार करने चाहिए, जो एक खातून के लिए मुनासिब हैं उसको इख्तियार करने चाहिए. मैं समझती हूँ कि अगर हर मतलब सियासत अब कोई ऐसा मौजू नहीं है कि इसमें एक खातून जो अपने किरदार को अदा नहीं कर सकती. बिल्कुल सोशल लाइफ जो है बिल्कुल वो मर्द और जन दोनों एक अच्छी तरह से गुजार सकते हैं डिसीजन लेना एक कंट्री के बारे में. देयर इज नथिंग बैड टू कम इन द पॉलिटिक्स. या बहुत अच्छा हमारा जो है वो पार्लियामेंट का माहौल है, जो मैंने देखा अभी इन चंद दिनों के अंदर, और आइंदा भी देखूंगी. और बाकी माहौल हम खुद भी क्रिएट कर रहे होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन वेयर एवर यू. बिल्कुल, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का माहौल बना रहे हैं, आप किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू योर लाइफ बीइंग अ मदर.
being a wife, mashallah, now going to handle such a great responsibility. So how you think that you are managing home, and how you are going to manage home in the upcoming days when you will actually practically in the field, you will be doing some work. So bringing up children, mashallah, and as a wife handling your responsibilities at home, is it going to be difficult for you? How do you think you will keep a balance in your life? जी अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने ख़वातीन के अंदर ये सलाहियतें रखी हैं. आई थिंक के मल्टीटास्किंग होती हैं ख़वातीन, मर्द नहीं होते. वो एक टाइम में एक चीज़ सोच रहे होते हैं, बट एक खातून जो है वो एक टाइम में उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं. खाना भी बना रही हैं, साथ साथ बच्चों को भी देख रही हैं, टाइम भी अपने दर्स को भी रिपीट, जो स्टूडेंट होती हैं वो अपने लेक्चर्स भी रिवाइज कर रही होती हैं. मेरे पर गुजरा है टाइम, मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी स्टडीज को कम्प्लीट किया है. Who actually did it? You did it, and you showed. And Sayyida Fatima, she is role model for me. Salam Allah Alayha, and Bibi Zainab Salam Allah Alayha. She is role model for all of us. हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं. कनीज़ा ने ज़ैनब बनना चाहे, कनीज़ा ने फातिमा ज़हरा बनना चाहे, तो हम उनके कदमों के खाक के बराबर भी नहीं. लेकिन हिस्ट्री में अगर देखते हैं, बिफोर डिस्कसिंग द करेक्टर ऑफ फातिमा जिन्ना इन द पाकिस्तानी मूवमेंट, इफ वी गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ करबला, वी सी देयर वाज आल्सो अ बैटल ऑफ हक एंड बातिल. एंड हाउ बीबी ज़ैनब अली सलामुल्लाह अलैहा, from her journey from Karbala towards Kufa, Kufa to Sham, and then when there was a great tragedy on the house of Ahl Bayt al-Islam, but she never ever give up the aim of his grandfather Rasool Khuda sallallahu alaihi wa sallam, apne nana commission, Islam commission, hamesha se maktab Ahl Bayt al-Islam ka एम रहा है, मिशन है इस्लाम को बचाना, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, इस कौम की, इस मिल्लत की खातिर काम करना. तो हमारी लेडीज़ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं कि क्या उनकी लाइफ को स्टडी करें, फिर अपनी लाइफ में उस उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें. सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, शी इज़ वुमेन, शी इज़ रोल मॉडल फॉर अस. एंड हम देखते हैं कि हम करबला की तहरीक में जब हक़ व बातिल की जंग हो रही है, देखें औरत को पहले अपने घर को देखना चाहिए, इट्स गुड, इट्स राइट, उसको देखना चाहिए. लेकिन बट ऐसा नहीं है कि आप किसी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएं, जैसे करबला का वाकया हो तो आप कहें नहीं मुझे अपने घर को देखना है. सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को हम देखते हैं, और ख़वातीन जो करबला में मौजूद थी उनको हम देखते हैं कि उन सब ने क्या किया, कि क्या उनके दिल में ममता नहीं थी, बच्चों की मोहब्बत नहीं थी, लेकिन बच्चों को कुर्बान कर दिया किसी बड़े हदफ के लिए. और मैं समझती हूँ कि अगर हमारी ख़वातीन जो हैं वो सियासत में आई हैं, मैं कल भी पार्लियामेंट में देख रही थी कि एक खातून सिर्फ एक वीक की उनकी बच्ची थी, और वाकई वो उसको छोड़कर सेशन अटेंड करने के लिए आई थी कि मैंने अपने किरदार को जो है वो असेंबली में आकर अदा करना है. तो वी आर सल्यूट कि हमें यानी ये सेक्रीफाइस है. आप देखिए कि एक मदर जिसकी बच्ची सिर्फ एक हफ्ते की है, क्या उसके दिल में बच्चे की मोहब्बत नहीं है? ये ऑनेस्टी टुवर्ड्स प्रोफेशन है, व्हाट एवर यू डू यू मस्ट बी ऑनेस्ट इन दैट. अब घर का काम करो उस पर ऑनेस्ट हो, ये तो हमारे दीन में भी है. अल्लाह इज वॉचिंग, इट्स अ फेथ. हम दिल में रखते हैं कि वी आर बीइंग वॉच ऑल द टाइम बाय आवर लॉर्ड. अगर हमें देखा जा रहा है, हम ईमानदारी से अपने काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हालांकि इस अकीदे के साथ कि हमें देखा जा रहा है, लेकिन जो देख रहा है वो मौजूद है, हम उसे नहीं देख पा रहे. वही अगर अपने पेशा वराना कामों में भी एम रखें दैट वी आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद दैट जॉब, तो एक खातून अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से मनवा सकती है. बिल्कुल, देखिए हमें कभी भी निगलेक्ट नहीं करना घर को. अगर एक खातून जो है वो सिर्फ माशरे पर लग जाती है और घर को फरामोश कर देती है तो ये बिल्कुल गलत है. यानी एक मैं समझती हूँ कि एक खातून अगर अपने घर में कामयाब नहीं है तो वो सोसाइटी में कामयाब नहीं हो सकती है. उससे पहले अपने घर को देखना है, अपने घर की जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अदा करना है. ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको बैलेंस करना डिस्टर्ब होता है. बिल्कुल, मेरा घर भी डिस्टर्ब होता है. मैं चार बच्चे हैं मेरे, उन सबको छोड़कर, और एक खातून जो है वो सिर्फ बच्चों को नहीं देख रही होती, उसको पूरा अपना ससुराल भी निभाना होता है, एक मेकअप भी निभाना होता है. यानी पाकिस्तानी माशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो ख़ानदानी और बरादराना सिस्टम जो मौजूद है उसको सबको देखना होता है, और यही तो हमारे मुल्क की तरक्की का एक राज है. हमें अपने कल्चर को जो है वो डिस्मोलिश नहीं करना, बल्कि हमने अपने कल्चर को प्रमोट करना है, इसको बरकरार रखना है, इन रवायतों को बरकरार रखना है. जो बहुत अच्छी रवायात हैं हमारे माशरे की, पाकिस्तानी सकाफत जो कि बहुत प्यारी सकाफत है हमारी.
do you think that there are they have been cultural attacks by the West on our culture? Ye raha hai, we having a very nice language, we being having a very nice dressing style, aur ek acha culture, relations ka culture, respecting and honoring elders, aur hamare chote bahut honor karne lage, hamare bade bahut shafiq rehne lage, lekin hum bhi ek aise attack kuch aisa aap keh sakte ho wave aayi कि हमारे भी कुछ बच्चे या कुछ बड़े तहजीब कहीं भूल गए. बिल्कुल ऐसा ही. देखें दो विजन्स हैं, ठीक है ना, एक है ईस्टर्न विजन और एक है वेस्टर्न. ठीक है, ईस्टर्न ये था मशरकी नज़रिया कि एक खातून को चार दीवारी में रह देना चाहिए, घर की चार दीवारी के अंदर बंद. अगर हम आज से 30 साल पहले चले जाते हैं देखते हैं तो एक मशरकी नज़रिया इस तरह का था कि एक खातून का जो काम है सिर्फ वो घर की चार दीवारी के अंदर महदूद रहना है, सिर्फ ये घर की रोटी सालन बना लेना, ये घर के कामों को अंजाम दे लेना. बिल्कुल एक इमेज था ईस्टर्न, ठीक है ना. अब वेस्टर्न क्या आया कि नहीं, इस औरत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस घर को छोड़ो, जाओ अपनी सोसाइटी के अंदर अपने रोल को प्ले करो. They both are wrong. हम देखते हैं कि एक खातून के किरदार को जो है वो 1400 साल पहले इस्लाम ने बता दिया था कि एक खातून जो है वो बोथ साइड्स पर, इनसाइड द होम आउटसाइड भी होम, वो है? अपने रोल को कैसे प्ले कर सकती है. हम देखते हैं जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, शी इज शी वाज बिजनेस वुमन. या हम देखते हैं उनकी शख्सियत के बारे में, हम देखते हैं कि जनाब सगीदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि वो अपने बाबा से दर्स लेती भी हैं और लोगों को लेक्चर डिलीवर भी करती हैं. वो सैयदा जो कि फरमाती हैं कि औरत के लिए बेहतर है वो किसी ना महरम को ना देखे, कोई ना महरम उससे ना देखे, फिर भी एक इंतहाई सक्सेसफुल है लेक्चर अपने बाबा के, वो जब घर पर रह के भी सुनती हैं उसको डिलीवर करती हैं, अपने रवायात को अपने नरेशन को कैसे कनीजों के थ्रू पहुंचाती है, कैसे उनसे दर्स लिया जाता है बीबी ज़ैनबिया घर पर रह के किस तरह. और जब जरूरत महसूस होती है तो वो घर से बाहर निकलती हैं, खुतबा भी देती हैं. यहाँ पे देखें ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं और सहाबा कराम बहुत सारी सहाबियात बहुत सारी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल इस तरह से मौजूद हैं. और अगर हम तालीम की बात करते हैं, एक ईस्टर्न नज़रिया ये रहा था कि औरत को चार दीवारी में महदूद रहना चाहिए, इसको एजुकेशन को गेन करने के लिए ना यूनिवर्सिटीज़ का रुख करना चाहिए ना कॉलेजेस का रुख करना चाहिए. और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी हमारे कुछ एरियाज़ में यही नज़रियात जो हैं वो कायम हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को अगर हमने तरक्की की तरफ लेकर जाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियात को लेकर आना है, ना ईस्टर्न ना वेस्टर्न. ठीक है ना, वेस्टर्न इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो एक है एक डेवलपमेंट के बारे में, इट्स नेवर एवर अगेंस्ट द लेडीज. हमारा इस्लामिक नजरिया, इस्लाम हैज गिवन मोस्ट रिस्पेक्ट मोस्ट एमिनेंट स्टेटस टू द लेडीज व्हिच नो अदर रिलीजन हैज एवर गिवन. अब आई थिंक सिस्टर ज़ाहरा देयर इज अ नीड फॉर लेडीज टू अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस, to understand their value and the honor which Islam has given. Islam ne to de diya mashallah bahut hi ek uncha maqam, ek status diya, eminent status diya, lekin bahut si ladies they are still unaware wo isko, is martabe ko, is rutbe ko jo Islam ne intihai khoobsurti se bahijab tarike se unko zindagi har facility mein enjoy karne ke liye, har field mein jane ke liye dar Islam mein rehte hue provide kiya, but ladies are not, some of them are not acknowledging it. What would you like to say on this? ये कहूँगी कि देखें जब ये एक वेस्टर्न नज़रिया आया तो ख़वातीन ने कहा कि नहीं, अब हमें सोसाइटी में मूव करना है, हमने हिजाब को उतार देना है. ठीक है ना, हमने कुछ नहीं करना, हमने बस अपने मर्दों की बराबरी करनी है. यानी बराबरी को यानी वो अपनी के सेंस गलत ले गई है, सेंस गलत ले गई हैं, अपनी असल को भूल गई हैं. जो आपका हदफ था, आप जाइए ज़रूर जाइए, लेकिन अपने वक़ार के साथ जाइए, अपनी शख्सियत के साथ जाइए. हम पाकिस्तानी माशरे में देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना अच्छा कल्चर है, दुपट्टा कल्चर. यानी हमें यानी ये सिर्फ ये ठीक है, हम अबाबी इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़ुद हमारे पाकिस्तानी ड्रेस के अंदर जो दुपट्टा और चादर का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा हिजाब है. और हमारी बहुत सारी ख़वातीन सिंबल ऑफ इस्लामिक स्टेट है. या बिल्कुल, तो इसके साथ आप आइए हर फील्ड के अंदर. और हम देखते हैं कि अगर आप हिजाब के साथ आते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर तो आप अपने आप को ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं और ज़्यादा अच्छे अंदाज में जो है वो आप आगे बढ़ सकते हैं. लोग आपको रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, आपको दकियानुसी निगाह से नहीं देखते. हाँ, आपकी सेंस इतना होना चाहिए, आपका शऊर ऐसा होना चाहिए, लोग आपकी बात को देखते हैं, आपके कलाम को देखते हैं कि कौन कैसे बोल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है. हमें इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, मैं होलियों का इस्लाम नहीं चाहिए,
हमें जो एक विजन का है इस्लाम चाहिए, हमें प्रैक्टिकल इस्लाम चाहिए। तो इस्लाम हुलियों का नाम तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा हाँ, नहीं है। लेकिन हम उसको से जुदा भी नहीं कर सकते। एक इस्लामिक दायरे में रहते हुए अपने कंट्री को कैसे जो है डेवलप स्टेट्स की तरह लेके जाना है, वो हम बिल्कुल एक गाइडलाइन दे सकते हैं हिस्ट्री से। माशाल्लाह, वुमेन हैव प्लेड अ ग्रेट रोल, वी हैव डिस्कस्ड ऑन इट। सिस्टर ज़ारा, वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन योर प्लान्स, योर पॉलिसीज, योर विजन्स, हाउ वुड यू ब्रिंग अ चेंज, लाइक योर पार्टी इज सेइंग, तब्दीली आ गई है। तो तब्दीली आ गई है। तो हम इस चेंज पे बात करेंगे, हम किन चेंजेस की तरफ जा रहे हैं और तब्दीली किस सेंस में आई है, किन किन एरियाज में हम तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लाने की। सो विल बी टॉकिंग ऑन इट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मोमिनीन, वी हैव सिस्टर ज़ाहरा नकवी, GSMWM वुमेन विंग पाकिस्तान, न्यूली इलेक्टेड MPA पंजाब असेंबली विद अस, एंड वी टॉकिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड हाउ कैन शी कॉन्ट्रीब्यूट टू द अपकमिंग न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट। सो विल बी टॉकिंग मोर ऑन इट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।